अगर डिस्कस करते हैं। दोबारा रिपीट करो अपनी बातों को, दोबारा सुनेगा प्लीज बच्चे। मैंने बताया डोनेशन एनजीओ के लिए रिसिप्ट है, आरएनपी में डेबिट साइड पे आएगा। डोनेशन दो प्रकार की होती है, जर्नल और स्पेसिफिक। जर्नल डोनेशन को बोलते हैं रिसीट ऑफ रेवेन्यू नेचर, बड़े रेवेन्यू नेचर की इनकम को मानते हुए आप इसको कहां दिखाओगे, क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बच्चे जो डोनेशन होते हैं स्पेसिफिक नेचर की उसको बोलते हैं रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर। सर वो कहां जाएगी, बच्चे कहां जाएगी लिखिएगा, इट हैज टू बी अपीयर इन बैलेंस शीट। लिखिएगा प्लीज, इट हैज टू बी अपीयर इन बैलेंस शीट। बच्चे बैलेंस शीट में आएगी वो, ध्यान से बात करिएगा, बैलेंस शीट में आएगी ऑन लायबिलिटी साइड। लिखिएगा, इट हैज टू बी अपीयर इन बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड। इसके नीचे लिख लीजिएगा बच्चे, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। देखिएगा, इसको डिस्कस करेंगे अलोंग विथ टॉपिक। टॉपिक का नाम है बच्चे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। अलग के टॉपिक है बच्चे, इसको टॉपिक में फंड बेस्ड अकाउंटिंग, वहां पूरा आपको पढ़ाऊंगा स्पेसिफिक डोनेशन के बारे में क्या होता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुन लीजिएगा बच्चे। डोनेशन दो तरीके की है, एक जर्नल दूसरी स्पेसिफिक। जर्नल का नेचर है रेवेन्यू नेचर, मेरे स्पेसिफिक का नेचर है कैपिटल नेचर। जो जर्नल नेचर की डोनेशन है बच्चे वो कहां आएगी, चक्रवर्ती कहां आएगी बताया मैंने आपको, क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो किस साइड पर आएगी, किस साइड पे आएगी, क्रेडिट साइड को क्या बोलते हैं, ऑन इनकम साइड, इनकम साइड। और जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो बैलेंस शीट में आती है, लायबिलिटी साइड पर आती है। कैसे आएगी सिखाऊंगा, टॉपिक क्या, पूरा टॉपिक का नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। टॉपिक का नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, वहां पे हम उसको पूरे का पूरा सीख के चलेंगे। चलो ये आपको बात क्लियर होगी। अब एक दो बातें और बताऊंगा, ध्यान से बात सुनेगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बच्चे बोलेगा प्लीज बोलिए सर। ये जनरल डोनेशन रेवेन्यू नेचर की क्यों है और ये स्पेसिफिक डोनेशन कैपिटल नेचर की क्यों है? बेटे जनरल डोनेशन छोटे मोटा पैसा आ रहा है, 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, 50 रुपए आ रहा है, ये रेगुलर आता रहेगा, इसका कोई पर्पस नहीं है, कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हो, तब ये रेवेन्यू नेचर की है। और स्पेसिफिक नेचर इसलिए क्योंकि जिस काम के लिए दिया है बेटे वही इस्तेमाल करोगे। कैसे इस्तेमाल करोगे, कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, टॉपिक आएगा, टॉपिक का नाम है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, वहां सिखाऊंगा। क्लियर? यस सर। ओके ठीक है। बेटे डोनेशन के लिए एक दो नाम और आते समझा रहा हूँ बच्चे। एक ग्रांट नाम भी आता है, ग्रांट, ग्रांट भी डोनेशन की तरह ही होता है बच्चे, बट इट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ये ग्रांट मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ये भी एक तरीके की इनकम है, लिख लीजिएगा ग्रांट। आएगा बच्चे, बच्चे ग्रांट भी किसकी तरह होता है लिख लीजिएगा, ग्रांट बोलो, डोनेशन बोलो, या बच्चे लेगेसी, ये तीन ट्रीटमेंट कॉमन है बच्चे। लेगेसी क्या बताओ, लेगेसी क्या भी आपको वही बताऊंगा क्या होता है। तीनों याद रखें, दो तरीके के, जर्नल और स्पेसिफिक। तो जर्नल वाली कहां आएगी मुझे बताइएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड इनकम है। और जो स्पेसिफिक वाली है ये बैलेंस शीट में आएगी, लायबिलिटी साइड में। ये कैसे आएगी आई विल डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में, उसका नाम है
फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है, ये बात क्लियर हुई आप लोगों को। अब चलते हैं, एक दो बातें और बताऊंगा। अब सुनो लेगेसी क्या, लेगेसी में होता है, लेगेसी का मतलब क्या, सुनो मतलब क्या होता है लेगेसी का। बच्चे मान लो मिस्टर एक पर्सन है, बच्चे अभी अलाइव है, जिंदा है, वो जिंदा है, अलाइव है। उन्होंने कहा जब मेरी डेथ हो जाएगी, उन्होंने कहा जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरी डेथ के बाद जो मेरी प्रॉपर्टी है वो किसी एनजीओ को बेटे क्या कर दो, क्या कर दो, डोनेट कर दो। मिस्टर ए ने कहा अभी जिंदा हूं, अपनी विल लिख के गए, वसीयत लिख के गए है, अपनी वसीयत लिख के जा रहे हैं जीते जी कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे मरने के बाद, मेरे एक्सपायर होने के बाद मेरी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसी एनजीओ को दे दो। दोबारा दोबारा सुनेगा मेरी बात, बेटे मिस्टर ए अभी अलाइव है, वो कह रहे मेरे एक्सपायर होने के बाद मेरी प्रॉपर्टी सो एंड सो जो भी नाम होगा एनजीओ को डोनेट कर दो। तो इसको बोलते हैं लेगेसी। बच्चे क्या बोलते हैं इसको, लेगेसी। अब लेगेसी दो प्रकार कैसे होगी, अब लेगेसी दो प्रकार कैसे होगी बच्चे, उन्होंने ये बोला कि इस डोनेशन के पैसे को इस्तेमाल खाली कहां करना है, बच्चों की एजुकेशन में। ये बता दिया, पर्पस बता दिया, तो बेटे वो क्या बन जाएगी, पर्पस हटा दो क्या बन जाएगी वो, जब पर्पस हटा दो क्या बन जाएगी वो, लेगेसी बोल देंगे। अगर पर्पस नहीं बताया, सिंपल मेरी प्रॉपर्टी सारी इस ट्रस्ट के नाम, तो बेटे वो क्या बन जाएगी, क्या बन जाएगी, जनरल लेगेसी। जर्नल कहां पे जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑन विच साइड, क्रेडिट साइड। जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो बैलेंस शीट में जाएगी, लायबिलिटी साइड पे जाएगी। उसका क्या करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट होगी, हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक आएगा, टॉपिक का नाम क्या, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। क्लियर यहां तक, आइए चलते आगे। अभी तक क्या क्या हो चुका है, सबसे पहले आर एंड पी अकाउंट, सेकेंड नंबर एक्सपेंस, थर्ड नंबर कंजम्पशन, अच्छा फोर्थ क्या पढ़ा हम लोगों ने, इनकम या सब्सक्रिप्शन, बजे फिफ्थ क्या आया बताओ, डोनेशन कह लो, ग्रांट कह लो, लेगेसी। बजे तुम्हें दो बातें, पहली बात क्या बताई मैंने आपको, जर्नल, दूसरी क्या आई है, स्पेसिफिक। अब चलते हैं आगे, अब दो बातें ध्यान से बात सुनेगा बच्ची। बच्चे एक होता है न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, लिख लीजिएगा न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल। इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर, लिख लीजिएगा बच्चे, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, बेटा एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू नेचर का, लिखिए बड़ा, इसको लिखिएगा, बताओ कहां पे आएगा, बताओ बेटे खर्चा है, कहा आना चाहिए, एक्सपेंडिचर। तो लिखेंगे बच्चे इसके बारे में, लिखेंगे अभी लिखते हैं, इसके बारे में लिखवाता हूं। तो लिखिएगा बच्चे कहां आएगा, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू नेचर का कहां आना चाहिए, इट हैज टू बी, बोलेगा अपियर इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑन डेबिट साइड, ऑन डेबिट साइड। बच्चे रद्दी को बेचा हमने, रद्दी को बेचा, खराब हो गया, पुराना न्यूज़पेपर है, लिखो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, लिखो पुराना रद्दी बेचा, उसको क्या बोलोगे, इज कंसिडर्ड एज इनकम ऑफ रेवेन्यू नेचर, इनकम ऑफ रेवेन्यू नेचर,
बचा लिखो कहां पर आएगी, रद्दी बेचा है, इनकम ऑफ रेवेन्यूचर कहां आएगी, इट हैज टू बी क्रेडिटेड, क्रेडिट क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लिखेगा लिखेगा, इट हैज टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बच्चे अगर बुक्स आ जाए, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जनरल, अगर जो बुक्स आ जाए, बुक्स को क्या मानते हैं हम, फिर बुक्स हमारी क्या होती है, एसेट्स, इट इज कंसिडर्ड एज Expenditure of capital nature. बड़े कहाँ पे पेर होगी बताओ, कहाँ आएगी बुक्स आनी चाहिए, it has to be appear in balance sheet on asset side. लिख लिया बच्चे, बच्चे अगर आपको याद हो, बच्चे मैंने आपको एक फोटोग्राफ बना के समझाया था, बच्चे मैंने आपको ऐसे लिखा था, आपको याद होगा बच्चे, बना एक मैंने कहा आरएनपी अकाउंट है बच्चे, यहाँ पे दोनों बैठे हुए हैं, कैपिटल वाला भी और रिवेन्यू वाला भी, फिर ऐसे दो बातें दिखाई, आपको याद होगा बच्चे, मैंने मीम बना के दिया था आपको, यहाँ कौन था इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यहाँ बेटे कौन था, याद करो बैलेंस शीट, बेटे यहाँ लिखा था मैंने कौन सी आइटम आएगी, रिवेन्यू नेचर की आइटम आएगी, और यहाँ बच्चे कौन सी आइटम आएगी, कैपिटल नेचर की आइटम आएगी, दोबारा चेक कर लो बच्चे, कल मीन को बनाया था बच्चे, आर एंड पी में दोनों बातें आती है, वहां से अलग अलग निकल जाता है, जो रेवेन्यू नेचर है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, और जो बेटे कैपिटल नेचर है वो कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। तो याद रखो, न्यूज पेपर, जर्नल, मैगजीन, जो खर्चा है छोटा मोटा खर्चा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड पे आएगा, उसकी रद्दी को बेचोगे, उसकी रद्दी को बेचोगे, इनकम है बेटे क्रेडिट साइड पे आएगा, अगर बुक्स खरीदते हो तो बेटे बुक्स मेरी एसेट है, वो कैपिटल नेचर का खर्चा है, वो बैलेंस शीट है, बेटे कौन सी साइड पे आएगा, एसेट साइड, कहाँ आएगा, एसेट साइड, और एक बात बताओ बेटे, एसेट के ऊपर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन, एसेट पे क्या चार्ज करते हैं, तो लिखेंगे बच्चे, एंड 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 डेप्रिसिएशन हैज टू बी, बेटे क्या करेंगे, चार्ज करेंगे ऑन व्हाट, ऑन एसेट मतलब बुक्स, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और डेप्रिसिएशन कहां आएगा बताओ, एसेट डेप्रिसिएशन, पार्टिसिपेट करो, हाँ, इज कंसिडर्ड एज एक्सपेंस, एक्सपेंस मानेंगे बेटे, कौन सी नेचर का एक्सपेंस होता है, ऑफ क्या बोलेंगे, ऑफ रिवेन्यू नेचर, एक्सपेंस ऑफ रिवेन्यू नेचर, और वो कहां आएगा, एंड इट हैव टू बी, बोलो डेबिटेड का मतलब कौन सी साइड है, एक्सपेंडिचर, हाँ तो लिखिएगा डेबिट, और इट हैज टू बी डेबिटेड टू, डेबिटेड के ब्रैकेट में लिख दो बच्चे, यहाँ पे क्या नाम है, डेबिटेड टू एक्सपेंडिचर लिख दो ब्रैकेट में, डेबिटेड to income and expenditure account. Clear है बच्चे? Got it everyone? Yes sir. दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा बताऊँ, दोबारा सुनिएगा मेरी बात आप, प्लीज एक बार क्या क्या बच्चे बताया मैंने आपको, एक बार दोबारा से बताऊंगा, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, दोबारा से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन के बारे हमने क्या क्या किया, सब्सक्रिप्शन के बारे हम लोगों ने क्या क्या किया, तो फटाफट दो मिनट में देखते हैं एक बार, तो आप सब लोगों ने बेटे पार्टिसिपेट करना है, सब्सक्रिप्शन के बाद क्या क्या है हम लोगों के पास, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन के बाद सबसे पहले कौन आया बोलेगा, डोनेशन, डोनेशन कह लो,
ग्रांट किसी थ्योरी अलग से करवा दूंगा मैं, लेगेसी कह लो, ग्रांट कह लो, ये दो टाइप की थी, जर्नल और स्पेसिफिक। स्पेसिफिक जर्नल में, जर्नल का नेचर क्या होता है? रेवेन्यू। स्पेसिफिक का नेचर क्या होता है बच्चे? कैपिटल। कैपिटल नेचर, कैपिटल। रेवेन्यू नेचर वाली कहाँ जाएगी? प्लीज पार्टिसिपेट करो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेरे क्रेडिट साइड में जाएगी। और कैपिटल नेचर वाली कहाँ जाएगी? क्या करेंगे? पूरा टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या? फंड बेस्ड अकाउंटिंग सिखाऊंगा, टॉपिक आएगा पूरा, तीन लेक्चर उसको भी लगेंगे, अलग से सीखेंगे। फिर उसके बाद कौन आया? उसके बाद कौन आया? न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल। बच्चे कहाँ आएगा ये? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड। बेटे इसको अगर बेचोगे, सेल करोगे, कहाँ आएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्रेडिट साइड। बेटे बुक्स हमारी क्या होती है? एसेट। एसेट कहाँ आएगी? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। तो एसेट साइड, बहुत बढ़िया। बुक्स पे क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बच्चे मेरा क्या हो जाएगा? एक्सपेंस। और वो कहाँ आएगा? एक्सपेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में किस साइड पर आएगा? डेबिट साइड। बेटे ऐसे जब बड़े बड़े क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे, आपको सारी बातें वहां देखने को मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, इनकम भी मिलेगा, कंजम्पशन भी मिलेगा, फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी मिलेगा, डोनेशन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है? तो वहां तक हमने पहुंचना है। एक छोटी सी एक बात वो लिख लो, छोटी सी एक बात वो लिख लो, उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। लास्ट पॉइंट है बच्चे, अगर किसी एसेट को बेचते हम लोग, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, इसका फॉर्मूला होता है बच्चे, इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है एसेट को बेचोगे तो? ये फॉर्मूला आपने मुझे पहले भी सीखा था क्लास 11 में, डेप्रिसिएशन चैप्टर में, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो। सेल वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। बुक वैल्यू बट याद रखना, अगर सेल वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है बच्चे, वो क्या है? क्या है? गेन है। गेन गेन कहाँ? गेन कहाँ आएगा? मेरी हेल्प करो, गेन कहाँ आएगा? क्रेडिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बच्चे सारी बातें मैंने अपनी पीपीटी में बना के लिखी, सारी बातें लिखी पीपीटी में, जो लिखवा रहा हूँ एक एक पॉइंट बेटे वहां लिखा, आपको मिलेगा ये सारी बातें। एक बार सारे कॉन्सेप्ट खत्म करवा लो, फिर पीपीटी से पूरा पढ़ाऊंगा एक ही लेक्चर, पूरी पीपीटी रिवाइज कराऊंगा एक ही लेक्चर के अंदर। अगर सेल वैल्यू अगर कम है बच्चे, किससे कम है? बुक वैल्यू से, बच्चे क्या होगा? बच्चे क्या आएगा अपने पास? लॉस आएगा। और लॉस कहाँ जाता है मुझे बताओ? डेबिटेड टू डेबिट साइड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बच्चे ऑप्शन जितना पढ़ाया वहां तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। आने वाली क्लास में जो नया टॉपिक बेटे क्या बिगिन करेंगे हम लोग? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। बेटे क्या बिगिन करेंगे? फंड बेस्ड। अगली क्लास में टेस्ट उसका फंड बेस्ड स्टार्ट होगा। फंड बेस्ड करवाने के बाद छोटे मोटे दो टॉपिक आएंगे, दो तीन टॉपिक आएंगे, उसके बाद सीधा बेटे हम जाएंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन में, ठीक है? फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड हेल्दी एट योर होम। ओके बेटे, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। Bye. 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 Thank you, sir. Okay. Okay. Bye.